चंचल मन मेरी ओम जपा कर, ओम जपा कर चो, चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। आप लोग जो मुझे पूछ के पूछ परेशान करते हो, मन को कैसे शांत करें, और मैं बार बार कहता हूँ, पहले विपासना, फिर योग निद्रा, फिर ध्यान, फिर अग्निहोत्र, ये सब विधाएं हैं मन को एकाग्र करने के लिए, शांत करने के लिए। पहले मन क्या है उसको समझना पड़ता है। जब तक मन को नहीं समझे हैं, मन को नहीं देखे हैं, तब तक मन को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? मन का एकाग्र करना, संयमित करना और प्रशमित करना, तीनों अलग अलग विधाएं हैं। नौकर कौन बनता है जानते हो? चाकर कौन बनता है जानते हो? नौकरी और करियर के बारे में कौन सोचता है जानते हो? जिसका मन एकाग्र नहीं है, कंट्रोल नहीं है, जिसका मन अनकंट्रोल्ड है, दुर्बल मन है, डरता है, भयभीत होता है, अहेतुक भय होता है, और जिसका क्रिएटिव माइंड होता है ना, वो कई सारे चीज को क्रिएट करते करते आगे बढ़ जाता है। इनोवेटिव माइंड, रिसर्चेबल माइंड, नया सोच का माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड, पावरफुल माइंड, बिल्डअप माइंड, कई सारे नया रचना करने वाला मन, ढेर सारे उपन्यास लिख देंगे, ढेर सारे कविता लिख देंगे। तो मन क्रिएटिव कैसे बनता है? बनता ऐसे है, द कूल माइंड, द काम माइंड, कूल माइंड, काम माइंड इज क्रिएटिव माइंड। अशांत मन, द्वंद्वात्मक मन, मन मेला वाला मन, स्विंग करने वाला मन, अभी यहां सोचे, अभी यहां सोचे, अभी यहां सोचे, अभी यहां सोचे, वो कभी डेवलप नहीं कर सकता। एक क्षण में दूसरा कहीं चल गया। एक चिंतनात् लीन मानसम्, एक चिंता में नहीं जा सकता। 100 प्रकार के चिंता मन में आ जाते हैं, बम 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 बम, ब्ला 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 ब्ला, मिठाई मिठी मिठाई, नमकीन नमकीन नहीं, आलू आलू के साथ परोठा, परोठा के साथ साइकिल, चौका गाड़ी कार, और वहां से निकला बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे लाइट, लाइट के बॉल, बल्कि हीटर हीटर, हाई ट्रैफिक इन माइंड। एक चिंता नहीं कर सकता, एक में नहीं जा सकता। एक चिंतना लीन मानसम, नहीं कर सकता। तो ऐसे अनकंट्रोल्ड माइंड, कभी क्रोध आया तो क्रोध कर लिया, कभी विषाद आया तो विषाद कर लिया, कभी दुख आया तो दुख कर लिया, अभी दुखी, अभी सुखी, अभी हैप्पी, अभी खुश, अभी मजाक, अभी ठीक, ठीक 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 ठीक, एक में नहीं रहता। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व पर्सनालिटी डिजॉर्डर में फंस जाता है। कुछ और खतरा मन होता है, जो बिना कोई कारण का तनाव में रहते हैं, बिना कुछ नहीं हुआ लेकिन तनाव, चिंता, टेंशन, पीड़ा, दुख, क्या हुआ बे, बोले 54 गिर गया, ठीक है, पॉकेट में 1000 रुपया है लेकिन 54 गिर गया, कंजूस मन मेरे। तो मन हमारे अंदर इतना पावरफुल किट है, जो हमें ले डूबता है या फिर
हमारा मन हमें उन्नति देता है। देखना जिनका काल पुरुष दोष, काला सर्प दोष, तो क्या होता है काल पुरुष में? अपने दुर्बुद्धि से अपना ही विनाश, खुद को खुद खा जाना। किसके माध्यम से? इसी मन के माध्यम से। क्योंकि जो काल सर्प दोष रहता है उसमें अगर चंद्रमा मजबूत है तो ठीक है, नहीं है तो खुद से खुद का विनाश। तो ऐसा मन को कैसे क्रिएटिव बनाएं, एकाग्र कैसे बनाएं, इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं छात्रों के लिए, बच्चों के लिए। बचपन से उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, मन का एकाग्र सिखाते हैं, मन को एक जगह में लगाना सिखाते हैं, ताकि ये बड़ा हो के आज जो आप लोग दुख भोग रहे हो उसको भुगतना नहीं पड़े और अपने मन को खुद संयमित कंट्रोल कर जाए। पढ़ता बहुत है, एक पेज पढ़ लिया उसके बाद भूल गया कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसका दिमाग में नहीं आया, फिर से शुरू से पढ़ने लगता है। क्या हो गया? मन पढ़ाई में तो था, शरीर था, मन नहीं था, मन किसी और काम में लग गया, जिसके लिए